इंदौर है जो अपनी सफाई के लिए देश भर में जाना जाता है, लेकिन यहाँ क्राइम की सफाई कब होगी ये बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि इंदौर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो दिन दहाड़े न सिर्फ चाकू लहराते हैं बल्कि भरे बाजार में एक 19 साल के लड़के को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार देते हैं। मृतक आयुष को आरोपी करण के द्वारा और उसके साथी के द्वारा चाकू मारा है, जिसमें उसको इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। ये पूरी घटना इंदौर के गांधीनगर इलाके की है, जहां सोमवार को दो आरोपी करण और कार्तिक ने 19 वर्षीय आयुष पर चाकू से इतना वार किया कि उसकी मौत हो गई। हैरान करने वाली बात यह है कि वहां भीड़ में से किसी ने इन बदमाशों को रोका नहीं। अगर किसी ने एक पत्थर भी मारा होता तो इन बदमाशों के हौसले टूट जाते, आयुष की जान बच जाती, लेकिन सब तमाशबीन बनकर देखते रहे। इसी तरह की एक हत्या अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई थी, जहां 16 साल की नाबालिग को साहिल नाम के हत्यारे ने चाकू से गोद कर मार दिया था।